तो हमारा भी तो रविदास मंदिर तोड़ा था, हमारा भी तो नाहरपुर में अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं बाबा साहब की, तो हमारी आहत नहीं हो रही है भावना? क्या आप बताइए कि हमारा दलित का समाज को कहाँ न्याय मिल रहा है? तो न्याय तो कहीं है ही नहीं है। अरे भावना आहत होती तो हमारे सपोर्ट में कितने संगठन आते हैं हिंदू के, जब वो संगठन नहीं आते तो हम किधर से हिंदू हैं? हम तो नहीं हिंदू, हम तो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, हम हिंदू मानते भी नहीं है, उल्टा सीधा बोलते हैं टीवी में बैठ के, उससे लोगों की भावना आहत नहीं होती? भी मस्जिद को तोड़ो, मंदिर को तोड़ो, इनके मंदिर को तोड़ो, तो वहाँ पे भी बुद्धि निकलेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी ये कहने पे लगा हुआ है कि आस्था आहत हो रही है, आस्था आहत हो गई, भावना, तो हमारी भी तो भावना है, हमारी बहन बेटियों को हाँ, तो हम दलित इंसान नहीं है क्या? जब वोट लेते हैं तो तब ये कहते हैं कि हाँ आप दलित हो, हमें वोट मत दो, इनसे ये पूछा जाएगा ना क्या हमसे? नहीं तो इंसान नहीं मानते तो हम भी वोट नहीं देंगे ना आगे से, हमारे वोट से चलेंगे नहीं। कौन करते हैं? वो करते रहे, हम तो नहीं करते ना, हर एक कोई अपनी अपनी इच्छा होती है ना, कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन किसकी नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा है, कौन भी कर रहा है तो हमें क्या लेना देना, वो करते रहे, हमें तो नहीं, हम तो उनको मना नहीं कर रहे। भाव तो हमारा भी तो रविदास मंदिर तोड़ा था, हमारा भी तो नाहरपुर में अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं बाबा साहब की, तो हमारी आहत नहीं हो रही है भावना? क्या इन्हीं की भावना, हमारी भावना नहीं है? तो ये तो गलत है ना, सबको एक एक नज़र से देखना चाहिए, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा ना कि एक धर्म की तो भावना है दूसरे धर्म की। क्या कारण लगता है, क्यों कार्रवाई हुई प्रोफेसर जी? तो सबको पता है क्यों, उन्होंने शिवलिंग के लिए बोला है, उनको सिर्फ यही बोलना था, बोला ना उन्होंने, गलत भी क्या कहा कि भाई किसने वो ऊपर से जो पत्थर लगा रखा है सफ़ेद, कि वो किसने लगाया, क्यों लगाया और कब लगाया, अभी साबित भी नहीं हुआ, अभी साबित ही नहीं हुआ। तो ये तो प्रोफेसर साहब ने तो यही कहा है ना कि वो पुरातत्व को छोड़ो, उनके उनको सौंप दो, वो बताएंगे कि इसमें उन्होंने किसने क्या करा है, मुस्लिम ने किया तो मुस्लिम ने, हिंदुओं ने किया हिंदुओं का आएगा, अब क्रिश्चियन ने किया तो क्रिश्चियन का आएगा। क्या दलितों को बोलने की आज़ादी नहीं है आज भी देश में 75 साल बाद? नहीं है, नहीं है, अगर बोलने की आज़ादी होती तो प्रोफेसर साहब का गिरफ्तारी नहीं होती। पहले से ही बहुत सारे जो एक्टिविस्ट जेल में हैं उसमें प्रोफेसर भी हैं, लेखक भी हैं, तेलतुंबड़े जैसे, तेलतुंबड़े हैं बहुत हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी पहले से वहाँ पे जेल में पड़े हुए हैं, UAPA लगा दिया, इनके पास एक ही सबसे बड़ा हथियार मिल रहा है, UAPA लगा दो, NSA लगा दो, NIA लगा दो, इसके अलावा उन लोगों को वहाँ पे सड़ा रखा है, जब बोलने की अभिव्यक्ति नहीं, क्या कौन कह सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बोलने की आज़ादी नहीं है? लेकिन दलित मूंछ बढ़ा लेता है तो हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर बैठता है तो गोली मार दी जाती है, तो क्या इनकी भावना आहत नहीं होती? वही तो हम कह रहे हैं, जब हमारी भावना आहत होती तो हमारे सपोर्ट में कितने संगठन आते हैं हिंदू के, जब वो संगठन नहीं आते तो हम किधर से हिंदू हैं? हम तो नहीं हिंदू, हम तो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, हम हिंदू मानते भी नहीं है। प्रोफेसर जी कह रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा जेल से आने के बाद, तो अच्छी बात है ना, वो तो अपनाना चाहिए, जो भी खाली बैठे हुए आदमी है ऐसे, इतने पढ़े लिखे हैं तो अपने अपने धर्म को हमें पता होना चाहिए, बाबा साहब ने हमें एक धर्म दिया बौद्ध धर्म, सही बात, तो हम बौद्ध धर्म को क्यों नहीं अपना रहे? मैम जहाँ भी खुदाई होती है बहुत सारे बाबा निकल रहे, शिवलिंग निकल के आ रही है, कहीं बौद्ध की मूर्तियाँ भी नहीं बता रही मीडिया? मीडिया नहीं बता रही है, अयोध्या में भी तो बुद्ध निकली है, वो तो खुश हो रहे हैं बाबा निकल आए, बाबा नहीं है, उनको इधर उधर से मूर्तियों को तोड़ फोड़ के ये उनको शिव बता रहे हैं, लेकिन हर एक जगह शिव नहीं रहे, शिवलिंग नहीं निकल रहे, बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं, काफ़ी निकल रही हैं, अगर किसी भी मस्जिद को तोड़ो, मंदिर को तोड़ो, इनके मंदिर को तोड़ो, तो वहाँ पे भी बुद्ध ही निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे। अच्छा, करुणा भंतेकर जी ने भी एक टिप्पणी कही थी कि आप पूरा देश खुदवा लो बौद्ध की मूर्ति निकलेंगे। हाँ निकलेंगे, तो उस पर क्या टिप्पणी आपकी? वो तो निकलेंगे, वो ठीक बोल रहे हैं, याचिका अयोध्या के टाइम पे लगाई थी, अयोध्या मंदिर के टाइम पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने और 1,00,000 पेनल्टी लगा के ना, जो SC वकील गए थे वहाँ पे कि हमारे बुद्ध को, बुद्ध की मूर्तियों को संरक्षित करना है जो राम मंदिर के नीचे से जमीन से निकल रहे हैं, मतलब दलित याचिका भी दायर नहीं कर सकता था। वो याचिका दायर भी नहीं कर सकते, तो भावना कोई नहीं है, तो उन्होंने 1,00,000 और उन्हीं पे जुर्माना लगा दिया, तो आप बताइए कि हमारा दलित का समाज को कहाँ न्याय मिल रहा है? तो न्याय तो कहीं है ही नहीं है, ये तो हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये तो सिर्फ इन्हीं के बन के रह गई क्या?
निष्पक्ष न्याय नहीं हो रहा है। निष्पक्ष कहाँ हो रहा है, अगर निष्पक्ष होता तो गिरफ्तारी नहीं होती। तो दलित को कैसे न्याय मिले, कहाँ जाए फिर वो? अब संगठित होना है, अब अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है, और कहाँ जाएगा? प्रोफेसर साहब हैं, पढ़ाते हैं लाखों बच्चों को पूरे साल भर में, यदि वो नहीं बोल सकते फिर कौन बोलेगा? आम आदमी की हिम्मत हो पाएगी? अब सब बोलेंगे, अब धीरे धीरे सब बोलेंगे। अब उन्होंने जी, इन लोगों ने चिंगारी लगा दी है, अब दलित लोग भी जागेंगे और आएंगे। बुलडोजर चल रहा है बहुत ज्यादा, बुलडोजर चल रहा है, वो तो बुलडोजर तो सबके ऊपर चल रहा है ना, हम गरीब मुस्लिम दलित, ये तो दिमाग बांटने के लिए है कि हम बुलडोजर चला रहे हैं, जिससे कि बुलडोजर की लड़ाई ना लड़े तो गिरफ्तार कर लिया, मंदिर मस्जिद की लड़ाई कर दी। भाजपा वाले कह रहे हैं यूपी में सबसे ज्यादा दलित हमको वोट दिया, और आप कह रहे हैं दलित उनके विरोध में जाएंगे? अभी विरोध में जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है, आप समझ सकते हो कि एक आदमी अगर भूखा है तो कितने दिन भूखा रह लेगा, कितने दिन भूखा रह लेगा? ऐसा नहीं है, उस दिन भी उनको भी समझ आएगा, उनके ऊपर भी तो अत्याचार हो रहा है। मैम, जिस जब दलितों पे अत्याचार होता है तो दलित एकजुट होते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों पे होता है तो बाबा साहब की फोटो उठा लेते हैं वो कंधे पर, जय भीम के नारे लगाते हैं, आज मुस्लिम नजर नहीं आ रहे यहाँ पे दलितों के साथ में, हमें लगता है। नहीं, मैंने तो कई लड़कियाँ देखी हैं, ऐसी तो बात नहीं है, मुस्लिम लड़कियाँ थी यहाँ पे, ऐसी नहीं है, मुस्लिम लड़कियाँ आई। कैसे लड़ोगे आप इस सरकार से? लड़ेंगे, जैसे भी लड़ा जाएगा, लड़ना है, अब लड़ना है, 85% हमारी जनसंख्या है, अब तो लड़ना तो है ही है। और रतनलाल जी यही कर रहे थे, रतनलाल भी तो जागरूक ही कर रहे थे ना, अंबेडकर नामा चलाकर, तो इस सरकार को ये हुआ कि वो अंबेडकर नामा चला के लोगों को जागरूक क्यों कर रहे हैं? वो जनों पे कटाक्ष करते हैं, शिवलिंग पे कटाक्ष कर दिया, ऐसे तो फिर आहत तो होंगी भावना? नहीं, किसी की भावना आहत नहीं होने वाली, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो इतना उल्टा सीधा बोलते हैं टीवी में बैठ के, उससे लोगों की भावना आहत नहीं होती। मीडिया कैसे काम कर रहा है इस पूरे मामले में? मीडिया तो दिखावे का काम कर रहा है, मीडिया तो असली काम कर ही नहीं रहा, वो तो बस 4 आदमियों को बिठाएंगे, बहस करेंगे और बस छुट्टी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहा। जो असली मुद्दा है वो नहीं दिखाएंगे। असली मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, भुखमरी है। राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर क्या हमें खाने को दे रहा है? किसी गरीब को नहीं, किसी गरीब को खाने को मिल जाएगा वहाँ पे? अनाज भी दे रहे हैं वो तो, अनाज मंदिर में नहीं दे रहे ना, मंदिर की बात कर रहे हो आप या भुखमरी की बात कर रहे हो? भुखमरी की बात हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं गाँव में, कोई पूछ रहा है? मजबूत कर रहे हैं वो धर्म को करते रहो, हमें तो धर्म नहीं चाहिए, हम तो बिना धर्म के भी अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल नास्तिक, क्यों भगत सिंह नास्तिक थे? नहीं थे, बहुत लोग हैं नास्तिक, ऐसा क्या है? कबीर दास है, रविदास हैं, सब नास्तिक ही थे ये लोग, ऐसा क्या है? तो हम तो नहीं मानते इन चीज़ों को।